रतलाम जिले के पिपलौदा नगर पालिका द्वारा करीब 5 करोड़ की पेयजल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस योजना से शहर के लोगों को शुद्ध व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन हालात बस से बदतर हो गए। योजना के शुरू होने के 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोगों को इस योजना से लाभ नहीं मिल पा रहा है। तत्कालीन MP सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर के लिए इस महत्वपूर्ण योजना का शिलान्यास किया था। इस योजना को शहरी पेयजल योजना का नाम दिया गया था। इसका मकसद था कि नगर के प्रत्येक परिवार को शुद्ध व स्वच्छ तथा पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। नगर में योजना को लेकर कार्य शुरू हुआ, भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ, 3 ओवरहेड टैंक बनाए गए तथा 7 नलकूप भी लगाए जाने का दावा किया गया। मध्य प्रदेश पेयजल निर्माण निगम को इस कार्य की कार्यदायी संस्था बनाया गया था, लेकिन अनुभवहीन ठेकेदारों को निगम द्वारा काम सौंपा गया, जिन्होंने विभिन्न स्थानों पर लाइन तो बिछाई, अनेक स्थानों पर लाइन लीकेज की शिकायतें उससे ज्यादा प्राप्त हुई। तो इसके साथ ही निगम को प्रत्येक घर में संयोजन पहुंचाने का कार्य करना था, जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ। समय समय पर निगम के कर्मचारी पानी खोल देते हैं, जिससे लोगों को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो संयोजन घरों में लगाए जाने थे, ठेकेदारों ने उन्हें सड़क पर ही छोड़ दिया। पानी की सप्लाई छोड़ने पर पूरा पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, जिससे सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। अब क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा, जो पुनः पानी की समस्याएं रहेंगी और लोगों को अधिक जल की आवश्यकता पड़ेगी। विभिन्न स्थानों पर आज भी लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि उनके घरों में स्वच्छ, शुद्ध तथा पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति होगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। कारण यह है कि निगम के जिन ठेकेदारों के हाथ में यह काम है, वे घोर लापरवाही बरत रहे हैं। पिछले 1 माह से निगम के ठेकेदारों का कोई भी आदमी काम पर नहीं देखा गया है, जिस कारण आगामी गर्मी में भी लोगों को इस योजना का लाभ मिले ऐसा संभव नहीं नजर आ रहा है। कभी कभी जब निगम के कर्मचारी पानी की सप्लाई छोड़ते हैं, तो वह पानी भी पीने योग्य नहीं रहता है, क्योंकि खुले में पानी में पशुओं को नहलाने और उनका मलमूत्र उसी में समाजित होने और बदबूदार पानी को पीना किसी खतरे से खाली नहीं है। हाल ही में हुए नगर पालिका चुनाव में वर्तमान अध्यक्ष प्रतिनिधि ने इस योजना का 1 माह में नगर वासियों को लाभ देने की बात कही थी, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन अफसरों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट है। उसी बात उसके पास इतना पानी नहीं, तब पूरे समय तक वो लोगों को पानी पिला सके, और पाइपलाइन भी इतनी डाल रखी उन्होंने कि पूरी तरह से फेल है। वो पाइपलाइन भी सही नहीं है और पानी भी बहुत गंदा आ रहा है। आज की अगर स्थिति देखा जाए, आज गंदा पानी नल के अंदर आ रहा है, लोग परेशान हैं, क्या कहें। पिपलौदा में कोई भी एक भी लोटा भर के पानी नहीं पी रहा है, वहाँ से वो पानी वेस्ट जा रहा है। जो भी पानी आ रहा है वो सब वेस्ट जा रहा है। इनके द्वारा वादे किए गए थे कि जैसे हम चुनाव जीतेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, उसके बाद 1 महीने में हम स्वच्छ पानी आपको देंगे। कैसे कहाँ से देंगे स्वच्छ पानी? वो बुरा ना पानी 5 साल से इकट्ठा हुआ था, हुआ पानी है ये गंदा पानी। अभी पानी बास रहा है, वो बटल भर के बता दूंगा ऐसा होता आपको। मैं कल बार जिम्मेदार अधिकारियों से आपने चर्चा करी थी बैठक नहीं, बैठक में मैंने बात भी कही थी कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई वहाँ चौकीदार नहीं है, आसपास में बहुत गंदगी है, औरतें नहाती है, भैंस डोर वगैरह उसमें नहाते हैं, उसके बाद वहाँ वॉल बाउंड्री नहीं है, वही पानी ग्रामीणों को पिलाने के लिए। हाँ, और यह वहाँ का पानी ग्रामीण का या गांव में आ रहा है, और वहाँ जो लोग रहने हैं उनके लिए पानी गांव से टिंकर जा रहा है, वो पानी क्यों नहीं पिलाते हैं उनको? महीने कई बीत चुके हैं मगर अभी तक चालू नहीं हुआ है, और पानी गटर में ढूंढ रहा है, और पानी में बदबू भी आ रही, और कोई पानी पीने योग्य भी नहीं है। पिपलौदा की जनता के करोड़ों रुपए गड्ढे में समा गए, क्या कहेंगे उसके बारे? निश्चित रूप से सही बात है कि अपने निजी स्वार्थ के खातिर इस योजना को लाएं, और ये योजना पूरी तरह फेल है। और मेरा ये मानना है कि ये जो योजना जो लागू की, ये सरासर गलत है। इस योजना के बदले प्रत्येक वार्ड में अगर 2-2 होल भी लगा देते तो निश्चित रूप से जनता में पानी पहुँचता घरों में, और पानी की समस्या नहीं आती। शासन की जल योजना है, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, उसमें 4 से 5 करोड़ रुपए शासन द्वारा स्वीकृत किए गए थे, जिसका
निकाय द्वारा ऋण लिया गया है। उक्त योजना ठेकेदार द्वारा सही तरीके से संचालित नहीं की गई है, न अभी चल रही है। इन्हीं गिने वार्डों में कुछ दो तीन चार वार्डों में पानी जाता है, बाकी वार्डों में बंद है और पानी भी पीने योग्य नहीं है, इसलिए बंद करवा दी गई है उसे। सर देखा गया ये जो इसका जो कर्ज लिया गया था, अभी कितना कर्ज बाकी है? और अभी तो पूरा ही कर्ज बाकी है, अभी क्या साल एक भर से 3 लाख रुपए की किस्त है उसकी, 2.5 से 3 लाख रुपए मंथली। सर देखा गया है आज जो योजना लागू की गई थी, आज अगर वो योजना धरती पर लागू नहीं की गई और वास्तव में जनता को पानी नहीं मिला तो क्या कहेंगे? नहीं, जनता को पानी तो निकाय द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन जो शासन की योजना थी उसके माध्यम से अभी पानी निकाय जनता को नहीं दिया जा रहा है।